कलचार भक्षण कुमासुत शोक विनाश नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चरा तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। किशोर मार गयो चोट करा
दो मिनट के लिए गुरुदेव के चरणारविंद में प्रार्थना करने हैं। उसके बाद जैसे श्री ठाकुर जी की इच्छा समय वैसे ही सीमा को पार कर चुका है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक बार और करेंगे, जिससे ऊपर बैठने में नीचे बैठने में जिसको प्रॉब्लम है केवल वही लोग ऊपर बैठेंगे। देखिए संकीर्तन की भजन संध्या की जागरण की चौकी की या कथा की एक मर्यादा होती है और हम लोग बहुत ही पावन पवित्र है ये कार्तिक मास। हमारी राधा रानी को श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और उसमें भी बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप लोगों को यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह करने का शुभ अवसर मिला है। दुनिया का विवाह, अपने बच्चों का विवाह तो हर कोई करता है, लेकिन गोविंद का विवाह इस अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक जिनसे सभी सृष्टि चल रही है उनका विवाह करने का जो सौभाग्य श्री ठाकुर जी की कृपा से गुरुदेव की कृपा से मिला है बहुत बड़ी बात है। जिनसे दुनिया चल रही है उन्हीं को हम चला रहे हैं और वो क्यों चल रहे हैं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये तो केवल प्रेम की बात है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कन्हैया अपने भक्तों के वश में रहते, आपने इतने प्रेम से संकीर्तन यज्ञ कन्हैया का विवाह अपने बाबा जी को बोलिए कि आज्ञा कर बैठी। इतना सुंदर आयोजन है, श्री ठाकुर जी, श्रीमती राधा रानी, तुलसा सालिग्राम जी, विवाह का शुभ अवसर है, आगे आकर आनंद लीजिए। कुछ देर की बात है, उसके बाद तो बस जय जय श्री राधे। मेरे गुरुदेव वृंदावन, मेरे Oh, yeah.
भगवान आपकी जय हो।
कभी कभी उनके स्वर में जिन्होंने अपने जीवन में गुरु धारण किए हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं किए हैं गुरु धारण वो भी, क्योंकि जब श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं तो गुरुदेव जीवन में आते हैं, और जब तक गुरुदेव जीवन में नहीं आते, गुरु मंत्र नहीं मिलता, दीक्षा नहीं होती, तब तक कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण सभी के गुरु हैं। श्री ठाकुर जी को अपना गुरु मानकर उन्हीं से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव गुरुदेव आप की, हो मेरे बाबा आप की जय, हो मेरे बाबा आप की जय, हो मेरे बाबा सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम धाम आपके चरणों में, और हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बड़ा ही सुंदर है, गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके लाग पाए, बलहारी गुरु आपने पहले तो गोविंद की कृपा होगी तो श्री गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा, शरणागति मिलेगी, उसके बाद जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है जीव पर तो राधा कृष्ण स्वयं आकर इस भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं। श्री राधा जान कर दासी लगायो अपनी सेवा जो कुटिया
Thank you.